नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 30 जून दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिजली सप्लाई में बिहार ने पाया यह रैंक। बिहार में 50 साल पुराने बराज और बांध का होगा स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल ऑडिट। बिहार में 3,500 सिम कार्ड हुआ ब्लॉक। बिहार में बदला मौसम का मिजाज, लोगों को मिली उमस भरी गर्मी से राहत। विपक्षी दलों की बैठक की बदली तारीख और जगह। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पंजाब सिंध बैंक में भर्ती। पंजाब सिंध बैंक द्वारा विभिन्न विभागों में स्पेशलिस्ट ऑफिसर पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को रिक्तियों से संबंधित क्षेत्र विषय में डिग्री या प्रोफेशनल योग्यता प्राप्त किया होना अनिवार्य है। साथ ही संबंधित क्षेत्र में कार्य का अनुभव भी होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार जारी किए गए नोटिफिकेशन को जरूर देख ले। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक की आधिकारिक वेबसाइट punjabandsindhbank.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 12 जुलाई 2023 तक निर्धारित की गई है। बिजली सप्लाई में बिहार ने पाया यह रैंक। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से जारी किए गए देश भर के बिजली कंपनियों की रैंकिंग व रेटिंग से यह खुलासा हुआ है कि बिहार पूरे देश में शहरी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति करने के मामले में 25वें पायदान पर है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति करने के मामले में पूरे देश में 18वें पायदान पर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार के शहरी क्षेत्रों में 23.1 घंटे बिजली आपूर्ति की जाती है, जो कि राष्ट्रीय औसत से 23.57 घंटे कम है। वहीं बिहार के ग्रामीण इलाकों में 20.1 घंटे बिजली आपूर्ति की जाती है। इन सब के अलावा इस रैंकिंग व रेटिंग से यह जानकारी मिली है कि बिहार के नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को C+ मिला है, तो वहीं दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को D श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा फीडर के बिजली गुल होने के मामले में बिहार 3रे पायदान पर है और राज्य के औद्योगिक इकाइयों को बिजली देने में उत्तर बिहार अव्वल है। बिहार में इन कॉलेजों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। बिहार के वे सभी कॉलेज जहां से अनुपस्थिति की सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है, उन कॉलेजों को लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य के सभी पारंपरिक विश्वविद्यालयों आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय एवं नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुल सचिव समकक्ष पदाधिकारियों को पत्र लिखा गया है और कहा गया है कि राज्य में कई कॉलेज ऐसे हैं जिनसे अनुपस्थित पाए गए शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन रोकने से संबंधित स्पष्ट सूचना नहीं दी जा रही है। ऐसे में इसे गंभीरता से लेते हुए इन कॉलेजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बता दें कि लिखे गए इस पत्र में यह भी जानकारी दी गई है कि विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत एवं संबद्ध कॉलेजों को अनुपस्थिति की जानकारी अपराह्न 3 बजे तक अनिवार्य तौर पर दी जाएगी। राज्य के 7 जिलों में जूट की खेती को मिलेगा बढ़ावा। बारिश की कमी से ज्यादातर किसानों के खेत खाली है। ऐसे में बिहार सरकार के द्वारा खरीफ मौसम के मोटे अनाज और जूट की खेती को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि इस निर्णय के तहत किसानों को मोटे अनाज की खेती और जूट की खेती करने पर 80% तक अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही जूट विकास के लिए उन्नत बीज वितरण और साथ ही पकड़ा सरण टैंक बनाने में मदद की जाएगी। मालूम हो कि जूट की खेती के लिए बिहार सरकार की ओर से सीमांचल के 7 जिलों को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाएगा, जिनमें अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिला शामिल है। इसके अलावा जूट सरण पक्का टैंक के लिए 2 लाख रुपए प्रति यूनिट या लागत का 50% दोनों में जो कम होगा अनुदान मिलेगा। अब बिहार के हॉस्पिटल में मरीज पहनेंगे खादी के कपड़े। अब बिहार के सभी श्रेणी के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती मरीज भी खादी के कपड़े पहनेंगे, जो जीविका दीदियों के द्वारा तैयार किया जाएगा। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार कपड़े का रंग हरा या ब्लू हो सकता है। हालांकि अब तक कपड़े के रंग को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई सूचना नहीं दी गई है। मालूम हो कि इस संबंध में बिहार मेडिकल सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड और जीविका के बीच MOU पर हस्ताक्षर हो चुका है। ऐसे में अब BMSICL की ओर से अब विधिवत वस्त्रों की मांग की जाएगी और फिर इसके बाद जीविका दीदी की ओर से मरीजों को वस्त्र दिया जाने लगेगा। बता दें कि फिलहाल जीविका के द्वारा राज्य के 17 स्थानों पर वस्त्र बनाने का काम चल रहा है, जिसमें बिहार की राजधानी पटना, मुंगेर, कोरौल, कैमूर, बेगूसराय आदि जिले शामिल हैं। मालूम हो कि जीविका समूह से जुड़ी लगभग 4,000 दीदी काम कर रही है। बिहार में 50 साल पुराने बराज और बांध का होगा स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल ऑडिट। बिहार में अगवानी पुल के साथ घटे घटना के बाद बिहार सरकार सख्त हो गई है। बता दें कि इसी कड़ी में अब बिहार में मौजूद सभी बराज और बांध जो 50 साल पुराने हैं, उनका स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल ऑडिट किया जाएगा। बता दें कि निर्देश जल संसाधन और सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा के द्वारा दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अगर ऑडिट के दौरान बराज या बांध में किसी प्रकार की कोई परेशानी पाई जाती है तो उसे तुरंत दूर कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुल की उम्र 50 वर्ष होती है, जबकि बिहार में मौजूद सभी बराज 6 दशक पुराने हैं। इसके साथ उन्होंने बराज से पानी छोड़ने पर भी पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है।
बिहार में 3,500 सिम कार्ड हुआ ब्लॉक। बिहार में साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सके इसके लिए आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान के द्वारा केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय से विशेष अनुरोध कर सिम कार्ड सेवा प्रदाता कंपनियों के जरिए स्थानीय तौर पर बिहार में 3,500 सिम कार्ड को ब्लॉक करा दिया गया है। मालूम हो कि जिन भी सिम कार्ड को ब्लॉक किया गया है वे सिम कार्ड ठगी, ऑनलाइन ठगी समेत अन्य अपराध में इस्तेमाल किए गए थे। इसके साथ ही अन्य 4,500 सिम ऐसे हैं जिन्हें ब्लॉक करवाने के लिए केंद्र और संबंधित मोबाइल कंपनियों के बीच प्रक्रिया चल रही है। ये सभी सिम कार्ड भी किसी न किसी साइबर अपराध में इस्तेमाल किए गए हैं। इसके साथ ही ईओयू के द्वारा सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों और सिम बेचने वाले विक्रेताओं को भी सख्त हिदायत दी गई है कि वे किसी को सिम देने से पहले उनकी आईडी की पूरी पड़ताल कर ले। अब शिक्षा विभाग के दफ्तर में फॉर्मल ड्रेस में आएंगे कर्मचारी। बिहार में ISKK पाठक के द्वारा शिक्षा विभाग में लगातार व्यवस्थाओं में सुधार लाने की कोशिश की जा रही है। इसी के तहत अब विभाग की ओर से शिक्षा विभाग में कर्मचारियों के लिए एक बड़ा आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अब कर्मचारी और अधिकारी कार्यालय टी शर्ट और जींस पैंट पहनकर नहीं आएंगे, बल्कि अब वे कार्यालय फॉर्मल कपड़े ही पहनकर आएंगे। बता दें कि इस बारे में विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। मालूम हो कि इस संबंध में प्रशासन निदेशक सुबोध कुमार चौधरी के द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है कि शिक्षा विभाग पटना में पदस्थापित सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी कार्यालय में गरिमा में औपचारिक कपड़े पहनकर ही कार्यालय आए। विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मचारी कार्यालय संस्कृति के विरुद्ध अनौपचारिक परिधान में आ रहे हैं, जो कार्यालय की गरिमा के प्रतिकूल है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे नागार्जुन के बारे में। नागार्जुन हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि थे। अनेक भाषाओं के ज्ञाता तथा प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार नागार्जुन ने हिंदी के अतिरिक्त मैथिली, संस्कृत एवं बांग्ला में मौलिक रचनाएं भी की तथा संस्कृत, मैथिली एवं बांग्ला से अनुवाद कार्य भी किया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नागार्जुन ने मैथिली में यात्री उपनाम से लिखा तथा यह उपनाम उनके मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र के साथ मिलकर एक मेक हो गया। बता दें कि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1969 में मिला था। वहीं इसके अलावा उन्हें भारत भारती सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, राजेंद्र शिखर सम्मान, राहुल साकृत्यान सम्मान, हिंदी अकादमी पुरस्कार और साहित्य अकादमी के सर्वोच्च फेलोशिप से सम्मानित किया गया। नागार्जुन की पहली प्रकाशित रचना एक मैथिली कविता थी, जो लेरी यासराय दरभंगा से प्रकाशित मिथिला नामक पत्रिका में छपी थी। उनकी पहली हिंदी रचना राम के प्रति नामक कविता थी। खेल समाज समारोह 2023 के लिए आवेदन आमंत्रित। बिहार सरकार के द्वारा कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा खेल सम्मान समारोह 2023 के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 जुलाई 2023 तक निर्धारित की गई है। बता दें कि आवेदन केवल ऑनलाइन ही लिया जाएगा और आवेदन करने के लिए खिलाड़ियों को https://tinyurl.com/mpr4hvwk पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। दरअसल राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 29 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राज्य के दिव्यांग खिलाड़ी प्रशिक्षक, जिन्होंने खेलों में विशिष्ट उपलब्ध प्राप्त कर राज्य को गौरवान्वित किया है, उन्हें खेल पुरस्कार एवं खेल सम्मान प्रदान कर पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना, छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय बिहार सरकार से प्राप्त की जा सकती है। 5 सालों से गोदाम में पड़े 1058 आधार मशीनों को KK पाठक ने कराया चालू। जब से शिक्षा विभाग के ACS का पद KK पाठक के द्वारा संभाला गया है, तब से लगातार शिक्षा विभाग में सुधार करने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि इसी कड़ी में KK पाठक के द्वारा सरकारी स्कूलों में लगाई जाने वाली 1058 आधार मशीनें जो गोदाम में सड़ रही थी, उन्हें फिर से चालू करने के लिए राज्य परियोजना निदेशक को पत्र लिखा गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 27 जून को हुई बैठक में आधार मशीनों के अधिष्ठापन बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के तत्वावधान में करने का निर्णय लिया गया था। ऐसे में 1058 आधार मशीनें ऐसे हैं जो गोदाम में सड़ रहे हैं, जिन्हें तुरंत ऑपरेशनल करना जरूरी है। प्रत्येक प्रखंड में 2 आधार मशीनें लगनी है। यह मशीनें कहां लगानी है, इस पर चर्चा हुई। KK पाठक ने कहा कि सालोक में साधन संपन्न विद्यालय जहां पर छात्र कोष, विकास कोष में पर्याप्त राशि हो वहां पर लगाएं। विद्यालय के प्रधानाध्यापक को इसके लिए प्राधिकृत करें कि कम से कम 20 MBPS की लीज लाइन ले, ताकि छात्रों को आधार कार्ड बन सके। बिहार में 1.30 लाख पीएम आवास अधूरे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार में 1.30 लाख आवास ऐसे हैं जिनका निर्माण कार्य अधूरा है। ऐसे में अब इन आवासों को पूर्ण करने के लिए 15 अगस्त तक का समय दिया गया है। बता दें कि इसके लिए सभी जिलों के लिए प्रतिदिन आवास बनाने की एक संख्या निश्चित की गई है। मालूम हो कि इस योजना के तहत राज्य में सबसे अधिक गया में प्रधानमंत्री आवास अधूरा है। ऐसे में गया में प्रतिदिन 559 आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरे राज्य में प्रतिदिन 2000
2600 आवास का निर्माण कराना है, लेकिन बिहार में औसतन लगभग 560 आवास का ही निर्माण हो रहा है। वहीं सभी जिलों में लक्ष्य का औसतन 5 से 14% आवास ही बन रहे हैं। एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा का जारी हुआ आंसर की। अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में से हैं जिन्होंने एसएससी की ओर से ली गई एमटीएस और हवलदार परीक्षा में शामिल हुए थे तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बीते दिन बुधवार को एसएससी के द्वारा एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार भर्ती परीक्षा का आंसर की जारी कर दिया गया है, जिससे अभ्यर्थी एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। बता दें कि आंसर की के साथ रिस्पॉन्स शीट भी जारी किया गया है, जिसे उम्मीदवार वेबसाइट से 4 जुलाई तक डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आयोग की ओर आपत्ति विंडो भी खोल दिया गया है। ऐसे में उम्मीदवार प्रति प्रश्न पेपर ₹100 भुगतान कर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा बीते दिन एनटीए के द्वारा सीयूईटी यूजी 2023 का प्रोविजनल आंसर की भी जारी कर दिया गया है, जिसे अभ्यर्थी cuet.samarth.ac.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार में बदला मौसम का मिजाज, लोगों को मिली उमस भरी गर्मी से राहत। बिहार में मौसम ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बिहार में बदले मौसम की वजह से अब राज्य के कई जिलों के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। बता दें कि आईएमडी बिहार के द्वारा किए गए पूर्वानुमान के अनुसार आज यानी कि 30 जून को राज्य के एक या दो स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना जताई गई है। वहीं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिलों के एक या दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं अगर कल यानी कि 1 जुलाई के मौसम की बात करें तो आईएमडी बिहार के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों यानी कि 1 और 2 जुलाई तक के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। वहीं 3 जुलाई को किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और सुपौल जिले में एक या दो स्थानों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के बीटेक पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु आवश्यक सूचना। आईपीआरडी बिहार के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार राज्य के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के बीटेक पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु इच्छुक छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों के लिए आवश्यक सूचना है, जिसमें बताया गया है कि राज्य के प्रत्येक जिला में संचालित कुल 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में सत्र 2023-24 के लिए बीटेक पाठ्यक्रमों के विभिन्न शाखाओं में नामांकन के लिए लगभग 13,000 से अधिक सीट उपलब्ध है। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकित छात्र छात्राएं बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय से संबद्ध होंगे और विश्वविद्यालय से संबद्ध प्रत्येक संस्थान एवं महाविद्यालय में पाठ्यक्रमवार एवं कोटिवार कुल सीटों का 1/3 सीट महिला अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित है। इसके साथ ही सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में ट्यूशन फी लगभग 0 है और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की सुविधा भी उपलब्ध है। गंडक और गंगा को जोड़ने के लिए बनेगा 170 किलोमीटर लंबा लिंक चैनल। 27 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नदी जोड़ योजना के तहत गंगा और गंडक जोड़ने के फैसले पर मुहर लगा दिया गया था। ऐसे में अब इसको लेकर जल संसाधन विभाग की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। बता दें कि इसी के तहत मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग के मंत्री संजय झा अपने विभागीय अधिकारियों के साथ गोपालगंज के हीरा पाकर पहुंचे, जहां उन्होंने इस नदी जोड़ योजना के उद्गम स्थल का निरीक्षण किया और क्षेत्रवासियों से फीडबैक लिया। इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि गंडक गंगा नदी जोड़ योजना के तहत हीरा पाकर के पास गंडक नदी से शुरू कर सारण के हासलपुर के पास गंगा नदी तक पुल 170 किलोमीटर लंबे लिंक चैनल का निर्माण किया जाएगा। 9वीं में नामांकन को 10 जुलाई से चलेगा अभियान। राज्य में 9वीं कक्षा में छात्र छात्राओं के नामांकन के लिए 10 जुलाई से अभियान चलाई जाएगी, जो कि 30 जून तक चलने वाली है। बता दें कि इस दौरान 8वीं कक्षा उत्तीर्ण सभी छात्र छात्राओं का 9वीं कक्षा में नामांकन सुनिश्चित कराया जाएगा। मालूम हो कि इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस अभियान के सफल आयोजन के लिए 1 जुलाई को बैठक भी होने वाली है, जो कि जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में होगी। वहीं उसके बाद 3 जुलाई को एक और बैठक आयोजित जाएगी, जिसमें जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तथा सभी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक शामिल होंगे और इस बैठक में नामांकन को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। विपक्षी दलों की बैठक की बदली तारीख और जगह। 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई विपक्षी दलों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि विपक्षी दलों की अगली बैठक 10 से 12 जुलाई के बीच शिमला में आयोजित की जाएगी। लेकिन बता दें कि अब बैठक की तारीख और जगह दोनों बदल दिए गए हैं। दरअसल इस बात की जानकारी शरद पवार के द्वारा दी गई है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ऐलान कर कहा है कि अब विपक्षी दलों की अगली बैठक 13 और 14 जुलाई को बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि पटना में जेडीयू की अगुवाई में बैठक की गई थी, जबकि बेंगलुरु में कांग्रेस की अगुवाई में मीटिंग होगी। अगली मीटिंग में अलायंस का नाम और कमेटी बनाए जाने पर विचार हो सकता है। वहीं इस दौरान शरद पवार के द्वारा केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा गया।
बिहार के सीएम पर जमकर बरसे अमित शाह। बीते दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित करने के लिए बिहार के लखीसराय पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले नीतीश कुमार पूछ रहे थे कि मोदी सरकार ने 9 साल तक क्या किया, तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि अरे नीतीश बाबू, कुछ तो शर्म रखो, कुछ तो लिहाज रखो, जिसके बदौलत आप शासन में आज आए उसी से सवाल पूछ रहे हो। 9 साल में मोदी जी ने बहुत कुछ काम किया है। पीएम मोदी ने देश के 70 करोड़ गरीबों के लिए बहुत काम किए। आजादी से लेकर अब तक किसानों के बैंक खाते में 6,000 रुपए डालने का काम नहीं किया, लेकिन मोदी किसान सम्मान निधि लेकर आए। बिहार के किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए डाले गए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू हमारा हिसाब पूछ रहे हैं। उनको बता दें कि हमने आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य का 5 लाख रुपए तक का खर्च गरीब परिवार को देने का काम किया है। इससे बिहार में 75 लाख लोग से जुड़े हैं। लोगों के घर में शौचालय बनाने का काम किया, गरीबों को अनाज मिल रहा है। 37 लाख लोगों को घर बनाकर देने का काम भी नरेंद्र मोदी ने किया है। नीतीश बाबू कम से कम बोहनी भी करवा दे। भारतीय खिलाड़ी के चोटिल होने पर कपिल देव ने जताई गहरी चिंता। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के फिटनेस को लेकर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव के द्वारा चिंता जाहिर की गई है। दरअसल कपिल देव के द्वारा एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए सवाल का जवाब देते हुए कहा गया कि भारतीय टीम मजबूत हो जाएगी अगर उसके प्रमुख खिलाड़ी चोट के कारण बाहर न हो। चोटें हर खिलाड़ी के जीवन का हिस्सा है। मुझे उम्मीद है कि स्थिति सुधरेगी। मुझे हमेशा हार्दिक पांड्या के लिए चिंता होती है, वो बहुत जल्दी चोटिल हो जाते हैं। अगर वो सभी खिलाड़ी फिट हो जाए तो भारत जैसी कोई पक्की टीम नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऋषभ पंत, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और जसप्रीत बुमराह अपनी चोटों के कारण चयन के लिए उपलब्ध नहीं है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। भारत के विभाजन की घोषणा के बाद बंगाल और पंजाब के विभाजन के लिए बाउंड्री कमीशन के सदस्यों की घोषणा 1947 में की गई। रविकांत उमाशंकर चौधरी व विमल चंद्र पांडे को 2008 में संयुक्त रूप से भारतीय ज्ञानपीठ का नवलेखन पुरस्कार प्रदान किया गया। भारतीय पत्रकार अनसुद्दीन अजीज को 2008 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बुक कीपर्स के न्यू बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय राजनीतिज्ञ तथा लोकसभा के सदस्य मुकुट बिहारी लाल भार्गव का जन्म 1903 में हुआ। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार जी का जन्म 1928 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सीएनआर राव का जन्म 1934 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध दिग्गज राजनेता, उद्योगपति, शिक्षाविद और विचारक दादा भाई नौरोजी का निधन 1917 में हुआ। भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बड़े पुत्र संजय गांधी 1980 में एक विमान दुर्घटना में मारे गए। जनसंघ के संस्थापक श्याम प्रसाद मुखर्जी की 1953 को कश्मीर में कैद के दौरान मौत हो गई। वेलकम, में आज हम बात करेंगे एक भ्रामक वीडियो के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एक भ्रामक वीडियो के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक भ्रामक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने नई सरकारी नौकरियों और सभी सार्वजनिक उपक्रमों में नई भर्ती पर रोक लगा दी है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि नई सरकारी भर्तियों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, भर्ती प्रक्रिया सामान्य रूप से जारी रहेगी। व्हाट्सएप मैसेज को टाइम लिमिट के साथ अब पिन करना होगा आसान। मेटा के स्वामित्व वाला व्हाट्सएप कथित तौर पर मैसेज पिन ड्यूरेशन फीचर पर काम कर रहा है। WA बीटा इन्फो द्वारा देखा गया यह फीचर वर्तमान में डेवलपमेंट के अधीन है, यानी अभी कंपनी इस पर काम कर रही है। इसे गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध एंड्रॉयड 2.23.13.11 अपडेट के लिए व्हाट्सएप बीटा में खोजा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह यूजर्स को यह चुनने में सक्षम करेगा कि किसी मैसेज को चैट में कितनी देर तक पिन किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह फीचर अपने यूजर्स को चुनने के लिए 3 अलग अलग टाइम लिमिट, 24 घंटे, 7 दिन और 30 दिन के ऑप्शन पेश करेगी। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि यूजर्स के पास किसी भी समय पिन किए गए मैसेज को अनपिन करने का विकल्प होगा। यहां तक कि चुनी हुई टाइम लिमिट समाप्त होने से पहले भी यूजर्स को उनके पिन किए मैसेज पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा। राज्य के 16 जिलों में मजबूत होंगे ग्रामीण परिवहन। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके और साथ ही दलित, आदिवासी व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके, इसके लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत 6 करोड़ की योजना को मंजूरी देकर राशि को 2 चरणों में खर्च कर राज्य के 16 जिलों में ग्रामीण यातायात को मजबूत किया जाएगा। बता दें कि इसके पहले चरण के तहत 6 जिलों का चयन किया गया है, तो वहीं दूसरे चरण में 10 जिलों का चयन किया गया है। बता दें कि इस संबंध में परिवहन विभाग के विशेष सचिव के द्वारा सभी संबंधित जिलाधिकारी को पत्र भेज दिया गया है। मालूम हो कि पहले चरण के तहत जिन 6 जिलों के ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाया जाएगा उसमें मधेपुरा, वैशाली, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, कैमूर व रोहतास जिला शामिल है, जिनके लिए 2.24 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। वहीं दूसरे चरण के तहत जिन 10 जिलों में ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाया जाएगा उसमें समस्तीपुर, सारण, दरभंगा, भोजपुर, जमुई, पटना, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा व अरवल जिला शामिल है, जिनके लिए 3.76 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
राजकीय रेल पुलिस पटना चला रही ऑपरेशन खुशी। कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों का फोन गिर जाता है, गुम हो जाता है या कोई चोरी कर भाग जाता है। ऐसे में बिहार पुलिस के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि राजकीय रेल पुलिस पटना के द्वारा ऑपरेशन खुशी चलाई जा रही है, जिसके तहत जून महीने में कुल 131 मोबाइल लोगों को वापस किए गए हैं, जिसके कीमत लगभग 20 लाख रुपए थी। धारक को अपनी चोरी और गुम हुए मोबाइल को पाकर बेहद ही खुशी मिली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस अभियान के तहत पुलिस के द्वारा मोबाइल फोन को बरामद करके लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटाने का काम किया जा रहा है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अतीक खान, उन्नु गोलू कुमार, राजीव कुमार, उमेश ऋषिदेव, रामनवी मांझी, शंकर मुखिया, रंजीत मिश्रा, राजकिशोर महतो, लाल मोहन चौधरी, विकास दास, मनीष कुमार सेलरी, मोटू रंगीला, जितेंद्र ठाकुर, साक्षी यादव, रविशंकर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार के बदले हुए मौसम से आपको गर्मी से राहत मिली है या नहीं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना न भूले। धन्यवाद।